हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं और टेक गीक और मेरा नाम है जय। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट क्या होती है। तो देखिए, मेमोरी यूनिट जो है कंप्यूटर की, वो चार पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले आते हैं सीपीयू रजिस्टर्स, उसके बाद आती है कैच मेमोरी, और उसके बाद आती है आपकी मेन मेमोरी, और उसके नीचे आती है सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीपीयू रजिस्टर्स क्या होती हैं। देखिए, सीपीयू रजिस्टर्स ये आपके प्रोसेसर की मेमोरी होती है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि 32 बिट का प्रोसेसर या 64 बिट का प्रोसेसर, तो ये जो है ना, ये प्रोसेसर की मेमोरी होती है। तो जितनी ज्यादा आपके प्रोसेसर की मेमोरी होगी, उतना ही फास्ट आपका प्रोसेसर होगा। अब जैसे कि 32 बिट का प्रोसेसर है, अभी डाटा है जो प्रोसेस होना है, वो जाके सबसे पहले आपके सीपीयू में कलेक्ट होता है और सीपीयू के रजिस्टर मेमोरी में जाता है, और वहीं पे क्या कहते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो जितने ज्यादा आपके प्रोसेसर की मेमोरी होगी, उतना ही अच्छा आपका प्रोसेसर होगा, ठीक है। तो इसके नीचे जब हम आते हैं, तो इसके नीचे आती है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जरा ऐसी मेमोरी है जो एक रैम की मदद के लिए होती है। देखिए, आप रैम को एक डॉक्टर मानिए और कैच को एक नर्स मानिए। देखिए, अब डॉक्टर कोई ऑपरेशन कर रहा है, तो अगर उसे कोई भी चीज चाहिए, जैसे कि उसे सीजर चाहिए या कोई भी ऐसी चीज चाहिए जो ऑपरेशन में मदद करेगी, तो उसके लिए उसे बार बार जाके उस टेबल पे जाना पड़ेगा जहां पे वो सारा सामान रखा है। तो ये जो काम है, ये नर्स करती है उसके लिए। तो रैम जो है वो एक डॉक्टर है और नर्स जो है वो एक कैच मेमोरी है। अब देखिए, जैसे कि डॉक्टर को कोई सीजर चाहिए, तो पहले ही पता है कि अब डॉक्टर सीजर मांगेगा, तो सीजर लेने के लिए वो पहले ही चली जाती है और सीजर लेके हाथ में खड़ी होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर का इतना टाइम बचता है जो वो वहां तक टेबल पे जाएगा, फिर वहां से सीजर लाएगा, फिर अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा। तो इतना टाइम जो है वो नर्स पहले ही बचा देती है। तो अब कैच मेमोरी में वो सारा डाटा स्टोर होता है जो कि अभी रैम को आगे जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, आप ये मानिए कि एक पेज है और आपकी रैम सिर्फ आधा पेज लोड कर सकती है, ठीक है। तो अगर आपका आगे का पेज जो है वो लोड होने के लिए टाइम लगेगा, तो जो कैच मेमोरी है उसे पहले ही पता है कि इतने आधे पेज के बाद आपकी रैम को अगली दो लाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो कैच मेमोरी अगली दो लाइंस को पहले ही अपने पास स्टोर रखती है, जिसकी मदद से आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये होती है कैच मेमोरी, ये रैम की मदद के लिए होती है। अब कैच मेमोरी के हम नीचे आते हैं, तो आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। देखिए, प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम और रोम दोनों ही आती है। रैम आप सब जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। अब रैम आप सबको शायद पता ही होगा कि जो भी चीज हम खोलते हैं कंप्यूटर में, मान लीजिए हम किसी वेबसाइट को लोड कर रहे हैं या हम कोई गेम खेल रहे हैं, तो वो सब हमारी रैम में जाके लोड होता है। तो हमारी रैम की मदद के लिए, मैंने जैसे कि आपको बताया, हमारी कैच मेमोरी होती है। अब हम सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी होती है जो हमारी हार्ड डिस्क और बाकी के डिवाइसेज होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क होती है या बाकी के डिवाइसेज जिस जो आप एक्सटर्नली लगाते हैं। देखिए, तो ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी तीन टाइप की होती है। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क यही होती है आपकी हार्ड डिस्क। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो होती है ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क यही है जो आपकी सीडीज हैं, डीवीडीज हैं या ब्लू रे डिस्क हैं, तो ये सब होती है ऑप्टिकल डिस्क। और तीसरी टाइप होती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी है जो आपकी पेन ड्राइव्स में होती है, जो आप अपनी पेन ड्राइव्स में यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।